अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्लाउड गेमिंग के सारे एप्स टेस्ट कर लिए हैं चैनल पे, और काफी टाइम से मुझे कोई इंटरेस्टिंग ऐप दिखा भी नहीं जिसे हम चैनल पर टेस्ट कर पाए। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मुझे पता चला एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका यूज करके आप अपने लो एंड डिवाइस में काफी अच्छे से गेम्स खेल सकते हो, वो भी 1080p 60fps में। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मैं GTA 5 को एक ऐसे लैपटॉप में खेल रहा हूँ जिसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं है। वेल, इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं, इसे डाउनलोड कैसे करना है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है डीप लिंक। लेकिन आखिर ये काम कैसे करता है? वेल, ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड क्लाउड गेमिंग सर्विस है जिसकी हेल्प से आप गेम्स को एक पावरफुल पीसी पर रन करके दूसरे लो एंड पीसी में डायरेक्टली स्ट्रीम करके खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास कोई हाई एंड पीसी है तो आप उसके पीसी में डीप लिंक क्लाउड इंस्टॉल कर दो और अपने लो एंड डिवाइस में मजे से गेम खेलो। हाँ, ये सुनने में टीम व्यूअर या फिर एनी डेस्क जैसा लग रहा है, जिनका यूज करके भी आप रिमोटली दूसरे पीसीज को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो गेमिंग के लिए नहीं बनाए गए, जिस वजह से अगर आप उनमें गेमिंग करने का ट्राई भी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा लेटेंसी देखने मिलेगी और आप गेम ही नहीं खेल पाओगे। तो यहीं पे आता है डीप लिंक क्लाउड, जो कि इन सारी चीजों को सॉल्व कर देता है, क्योंकि इसमें यूज किया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बना देता है जिससे हम प्लेयर्स को कोई भी लैग देखने नहीं मिलता और गेमिंग काफी अच्छी हो जाती है इवन लो एंड डिवाइसेस पे भी। इसी के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट है, जो कि आपको दूसरे एप्स में देखने नहीं मिलेगा। वीडियो में आगे मैंने GTA 5 को भी टेस्ट किया है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इसमें गेम्स कैसे चलते हैं। तो डीप लिंक को सेटअप करने के लिए आपको इसके वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से सिंपली आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है दोनों ही पीसीज में। फर्स्ट पीसी, जो कि कैपेबल है गेम्स को रन करने के लिए, और सेकंड पीसी या फिर लैपटॉप जिसमें आप गेम्स को खेलना चाहते हो। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये है मेरा मेन सेटअप जो कि काफी हाई एंड है, और दूसरी तरफ है ये लैपटॉप जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं है, और इसमें तो मैं गेमिंग करने का सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने डीप लिंक दोनों ही कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर लिया है, अपने मेन पीसी और लैपटॉप में। डीप लिंक को इंस्टॉल करने के बाद आपको लैपटॉप में अपने पीसी के आईडी और पासवर्ड को डालना है, जो कि आपको डीप लिंक सॉफ्टवेयर में ही मिल जाएगा, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा आपके हाई एंड पीसी से। एंड बस, यहां से कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आपको जो भी गेम्स खेलना है या फिर जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो बहुत ही इजीली। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो GTA 5 खेला, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा उसी गेम को खेलना प्रेफर करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली, मैंने आज तक जितने भी क्लाउड गेमिंग एप्स ट्राई किए हैं उन सब में ये सबसे ज्यादा बेटर है। मुझे यहाँ पे किसी भी टाइप का लैग देखने नहीं मिला। एंड गेम के जो ग्राफिक्स थे उनका बिटरेट भी काफी हाई था, जो कि आपको दूसरे क्लाउड गेमिंग एप्स में कभी भी देखने नहीं मिलेगा। तो हाँ, GTA 5 के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा सही था। अब मैंने GTA 5 के बाद कुछ और गेम्स भी ट्राई किए, जैसे कि GTA 4, और ये भी बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा था। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि सारी चीजें बिल्कुल रियल टाइम में चल रही हैं, और इवन रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी कोई भी लेटेंसी वाले इश्यूज नहीं आए। तो अब बात करते हैं कि आखिर उस बंदे को ढूंढना कैसे है जिसके पास अच्छा गेमिंग पीसी हो, जो हमें अपना पीसी डीप लिंक के थ्रू यूज करने भी दे। वेल, यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के कंप्यूटर में डीप लिंक को इंस्टॉल कर सकते हो, और जब वो पीसी यूज ना कर रहे हो तो आप गेम्स को खेल सकते हो, या फिर आप उन्हें रेंट भी पे कर सकते हो गेम्स खेलने के लिए। एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने पास वाले गेमिंग कैफे में जाओ एंड वहां जाकर उनकी परमिशन से डीप लिंक इंस्टॉल करो पीसीज में, और उसके बाद घर आकर आराम से अपने पीसी में बैठकर गेम्स को खेलो। आजकल काफी सारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड चैनल्स भी हैं जहां पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि अपना पीसी रेंट पर दे सकते हैं। जैसे कि डीप लिंक के भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, एक इंडिया के लिए और दूसरा है ग्लोबल, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे शायद आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो कि पीसी रेंट पर दे सकते हैं, या फिर आप अपना पीसी भी रेंट पर दे सकते हो। साथ ही में आप इनके इंडियन और ग्लोबल ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको लेटेस्ट पैच नोट अपडेट्स और फीचर्स के बारे में सबसे पहले पता चल जाएगा। एंड आगे चलकर डीप लिंक के अंदर ही आपको ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के थ्रू रेंट पर गेम्स खेल सकते हो या फिर अपना पीसी रेंट पर दे सकते हो। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि डीप लिंक को सेटअप कैसे करना है और गेम्स को कैसे खेलना है, लेकिन जिस बंदे ने अपना पीसी शेयर किया है आखिर उसका क्या होगा? क्या वो पीसी को यूज कर पाएगा? एंड आखिर डीप लिंक सेफ है भी या फिर नहीं? तो जिसने भी अपना पीसी शेयर किया है वो अपने पीसी को यूज नहीं कर पाएगा। एंड बात रही कि डीप लिंक सेफ है या फिर नहीं, तो यहाँ पे ट्रस्ट काफी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी कंप्यूटर आपको शेयर किया है आपके पास उसके पीसी का पूरा एक्सेस होगा। तो हाँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली में तो चल जाता है, लेकिन अगर आप अपना पीसी रेंट पर देने का सोच रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि आपके पीसी में कोई सेंसिटिव डेटा ना हो। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ऐसे फंक्शन को भी ऐड कर दिया जाएगा जिससे कि आप कंप्यूटर का कंप्लीट एक्सेस दिए बिना सिर्फ गेम्स को ही शेयर कर पाओगे। तो क्या हम अर्न भी कर सकते हैं अपने पीसी को रेंट पर देके? तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। आप अपने पीसी को रेंट पर देकर रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो।
तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की और वो है प्राइसिंग। तो अच्छी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से फ्री टू यूज है। आप 1080p 120 fps में गेम्स को खेल सकते हो, लेकिन अगर आपको और भी अच्छी क्वालिटी और परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इनका क्राउन NFT भी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको और मिल जाते हैं, जिनमें से एक है प्रोफेशनल वर्जन, जहाँ पे आपको 2K 120 fps का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। एंड इसी के साथ इंटरप्राइज वर्जन भी आता है, जहाँ पे आपको 3K 200 fps का सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे जेनेसिस NFT भी है, और इस NFT से आप डीपलिंक के प्रोफेशनल और इंटरप्राइज वर्जन को फ्री में यूज कर पाओगे। अच्छी बात यह है कि 200 जेनेसिस NFTs को गिव अवे किया जा रहा है, जो कि आप विन कर सकते हो कुछ सिंपल से टास्क करने पे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ इन्होंने गुड गेम नेशन के साथ पार्टनरशिप भी किया है, जो कि काफी बड़ी कम्युनिटी है कॉम्पिटिटिव गेमर्स की, और ये पार्टनर्ड है 600 कॉलेजेस के साथ में। तो हाँ, डीप लिंक का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही मैं आप इनके टेलीग्राम ट्विटर और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे ही आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।